Hello friends, welcome to my channel Easy Busy. It's me Shudipta. Once again, welcome to my channel and thank you for watching. Okay, मैंने जो लास्ट वीडियो डाला था लिपस्टिक के ऊपर आप लोगों को काफ़ी पसंद आया, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू. अगर आपने अगर आप नए हैं यहाँ पे तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा. और मैंने एक लिपस्टिक के पूरा ट्यूटोरियल डाला हुआ है, मैंने उसी लिपस्टिक को लगाया हुआ है जो मैंने लास्ट डे बनाया था, तो वो ही लिपस्टिक मैंने यूज़ किया हुआ है. और इसको देखिए, आप देख सकते हैं मैंने इसको मैटिफाइड किया है. अब कैसे मैटिफाइड किया है इसके ऊपर भी मैंने एक ट्यूटोरियल वीडियो ऑलरेडी बहुत पहले डाल चुकी हूँ, शायद मेरा थर्ड या फोर्थ वीडियो है मेरा वो, तो प्लीज़ उसे जाइए और देखिए, आपको शायद बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाए. आपको कुछ पता होगा, मुझे कुछ पता होगा, तो मैं आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ और कुछ नहीं. और अगर एक बात, अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे से मतलब फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, तो प्लीज़ जुड़ सकते हैं, लिंक्स आर ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. एंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ऑन माई वीडियो. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज एंड प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप. और कमेंट ज़रूर करना, मुझे जानना है आप लोगों का व्यू, आप लोगों की पॉइंट्स, आप लोगों की क्या मतलब राय है, मुझे जानना है. प्लीज़ डू कमेंट्स ऑन माई वीडियो. आई लाइक टू शेयर विथ यू माई conversation and my comments also and my feedback also with you. So please do some comments, I want to know. And आज का जो video है वो भी एक requested video भी है, मैं डालना भी चाहती थी क्योंकि मैंने बहुत पहले promise भी किया हुआ था कि मैं एक video डालूंगी इसके ऊपर. मैंने एक base makeup के ऊपर एक video बनाया हुआ है कि कैसे base makeup बनाए, उस पर मैंने इन सब चीज़ों का use किया हुआ था. मैं how to make BB cream, how to make concealer, तो BB cream का मैं already डाल चुकी हूँ. और आज जो दिखाने जा रही हूँ वो है how to make कंसीलर एट होम. कंसीलर बहुत ज़्यादा तरीके से बनाया जाता है, बहुत सारे लोगों ने शेयर किया हुआ है. मैं आज एक मेरा तरीका शेयर करने जा रही हूँ, आप देखिए, आपको शायद अच्छा लगेगा. फिर मैं आपसे बात करती हूँ. फ्रेंड्स, यू कैन सी मैंने एक डबल बॉयल ले लिया है. अभी मैं इसके ऊपर एक कंटेनर रखूँगी लाइक दिस. ओके, मैं स्टील का ले रही हूँ ताकि मुझे मैक्सिमम हीट भी मिले और मेरा बर्तन भी कुछ प्रॉब्लम ना करे. तो इसमें मैं डालने जा रही हूँ, मैं ये कैमल का वैक्स क्रेयॉन ले रही हूँ. अभी आप सोचेंगे कि वैक्स क्रेयॉन क्यों, ये जो हम लोगों का मतलब कंसीलर होता है या वो जो सॉलिड फॉर्म में रहता है उसके लिए नॉन टॉक्सिक मतलब वैक्स ही यूज़ होता है या फिर बीज वैक्स. अब बीज वैक्स अब सभी को आसानी से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं यही दिखा रही हूँ. ये आराम से आपको मिल जाएगा, 10-12 रुपए में आ जाता है. एक ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है ये नॉन टॉक्सिक है, मतलब इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स तो है नहीं, मतलब लिपस्टिक में भी नॉन टॉक्सिक वैक्स ही यूज़ होता है. तो मैं आप देख सकते हैं 1/2 इंच मतलब छोटा सा एक स्किन टोन वाला जो आया है वो वाला मैं डाल रही हूँ. इसको मैं मेल्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ अभी. और इसमें मुझे अभी ऐड करना है इसको थोड़ा मेल्ट होने के बाद. फ्रेंड्स, यू कैन सी माय वैक्स इज ऑलरेडी मेल्टेड. अभी मैं इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालने जा रही हूँ, जस्ट अबाउट 1/2 टीस्पून. तो मुझे इसको थोड़ा मॉइस्चर ऐड करना है, बस इसीलिए, और कोई रीज़न नहीं है. अभी मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करने जा रही हूँ, बस 1/2 टीस्पून, दैट्स ऑल. यू कैन सी अभी इसमें मैं ऐड करूँगी. आपने देखा होगा मैंने एक फाउंडेशन दिखाया हुआ था ऑलरेडी, मैं वो फाउंडेशन ऐड करने जा रही हूँ, जस्ट 1 टीस्पून इनफ. अभी क्या करना है मुझे, इसको अच्छे से मिक्सअप करना है और इसमें मुझे डालना है कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर लूज, आपके पास जो अवेलेबल है आप उसे ही यूज़ करें. मेरे पास अभी लैक्मी का रोज़ पाउडर जो आता है वो अभी अवेलेबल है, मैं उसे यूज़ करने जा रही हूँ. आपके पास जो अवेलेबल है आप उसे यूज़ करिए, मैं ये वाला यूज़ करने जा रही हूँ. मेरा एक फेस पाउडर था DIY, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. कैन सी फ्रेंड्स, मैंने इसमें कॉम्पैक्ट पाउडर डाला है, अभी 2 टीस्पून मैंने डाला है, मतलब मेरा फाउंडेशन का डबल क्वांटिटी में मुझे पाउडर डालना है. अभी ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, मैं इसको थोड़ा और स्टेयर कर लेती हूँ और फिर आपको कंटेनर में डाल के दिखा देती हूँ. ओके फ्रेंड्स, हाउ इट वाज, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो. तो मेरा जो ये क्यूट सा कंसीलर है ये बिल्कुल रेडी है, दिखा देती हूँ मैं आपको. बिल्कुल देखिए, जैसा मार्केट वाला होता है सॉलिड फॉर्म में
बिल्कुल वैसा बना है, अलग कुछ नहीं है। मैं इसीलिए वैक्स का इस्तेमाल किया है मैंने, ताकि आप लोगों को ये बिल्कुल ऐसे सॉलिड फॉर्म मिले, वरना मैं वो नॉर्मल वो फाउंडेशन के साथ फेस पाउडर मिला के कंसीलर बनाने वाली बात तो बहुत ज़्यादा है, यूट्यूब में बहुत देखने को आपको मिलेगा। तो मैंने बस उसको ही ऐड किया हुआ है, और उसमें मैं चाहती तो बीजवैक्स यूज़ कर सकती थी, लेकिन बीजवैक्स काफ़ी महंगा पड़ता है ऑनलाइन परचेसिंग में, आपको शायद इतना ज़रूरत पड़ेगा, उसके लिए मैं नहीं चाहती आप लोगों को बहुत ज़्यादा खरीदना पड़ जाए। तो उसका ही एक शॉर्ट फॉर्म होता है वैक्स क्रेयॉन, जो नॉन टॉक्सिक होता है, तो उसी को मैंने यूज़ किया है। और बस इस चीज़ को अच्छा रखने के लिए, इसका मॉइस्चर लॉक्ड रहने के लिए, इसमें एक अच्छा क्रीमी टेक्सचर भी है सी, और वो निकल भी नहीं रहा है, तो इसीलिए बस मैंने इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल यूज़ किया है। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल यूज़ कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, अभी मैं आपको इसका थोड़ा डेमो दिखा देती हूँ। बिल्कुल क्रीमी बना है, यू कैन सी, बहुत अच्छा है ये, स्किन पे ये रहेगा, सबसे बड़ी बात है। मैं अगर नॉर्मल फाउंडेशन एंड पाउडर मिला के बना देती तो वो बाद में निकल जाता या फिर नॉर्मल मेकअप की तरह होता, लेकिन कंसीलर हम इसीलिए यूज़ करते हैं, वो हमारे स्पॉट को छुपाते हैं, दाग को छुपा देते हैं, डार्क सर्कल को छुपाते हैं, उसके साथ साथ हमारी स्किन में स्टे भी करता है बहुत देर तक। तो मैंने इसीलिए बनाया, मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए कितना अच्छा क्रीमी फॉर्म में बनाएंगे, बिल्कुल मिल रहा है। थोड़ा ज़्यादा लगाती हूँ आपकी, आपको दिखाने के लिए अच्छे से। अभी आप देखिए मेरा हाथ, इसमें कितना अच्छा एक मैटिफाइड एक कलर भी है, जो मेरी स्किन को, मैं नहीं कहती कि गोरा बनाया है, लेकिन ये अपने आप में ही अपने मेरे स्किन को मैटिफाइड कर दिया है, जो यहाँ पे नहीं है, यू कैन सी। सो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। प्लीज़ डू सम कमेंट्स ऑन कमेंट सेक्शन बिलो, आई वांट टू नो आप लोगों को ये बना के कैसा लगा, प्लीज़ बनाइए और जुड़े रहिए मेरे साथ ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, एंड प्लीज़ ऑन यूट्यूब ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू हियर। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल बटन भी आएगा, उसे भी प्रेस कर देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन भी चला जाएगा। तो प्लीज़ बनाइए, और मेरा ये कंसीलर बिल्कुल मेरा तरीका है, तो मैंने इसको आपके साथ शेयर किया। सो बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई एम गोइंग टुडे, सो बाय एंड आई विल सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो।